Namaste everybody, I'm back again with another video and another story for all of you. Well, aaj ki story hai, it's a beautiful, lovely story. And I think thoda sa ye aapko aaj aur ek bar aur hilayegi in another way. And it will make you think about the way you're living your life. The story is of a village. Aur ye bada famous gaon hai. Har jagah ya har gaon, har shahar. किसी न किसी कारण से फेमस होता है. कोई वहाँ की चीज़ बनती है उसके लिए फेमस है. वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो शायद उसके लिए फेमस है. वहाँ पर कुछ नेचुरल चीज़ें हैं तो शायद उसके लिए फेमस है. ये गांव जो है ये फेमस है फॉर समथिंग वेरी यूनिक. एंड देन यूनिकनेस इज कि वहाँ होती हैं डॉग फाइट्स. तो वहाँ के जो लोग हैं गाँव के सब अपने अपने घरों में इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर देम कि सब लोग बड़े अच्छे अच्छे फिरोशियस एकदम अच्छे अच्छे ब्रीड्स के डॉग पालते हैं. उनको तैयार करते हैं फाइट्स के लिए. उनको फीड करते हैं, उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं. और वो फिर जब डॉग्स बड़े हो जाते हैं तो उनको डॉग फाइट्स में डालते हैं. एंड देन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर आसपास के सब गाँव से लोग आते हैं और वो सब उस पर दांव लगाते हैं, बेट करते हैं. एंड दैट्स हाउ वो पूरा एक प्रोफेशन होता है, एक तरह से बिजनेस, एक इकोसिस्टम बन गया उन लोगों का. तो उसी गाँव में एक मिडिल एज्ड इंसान था जो बड़ा फेमस था वहां, क्योंकि उसके डॉग्स अक्सर या ज्यादातर उसके डॉग्स ही वो फाइनल जीतते थे. तो उसके पास दो डॉग थे, एक हल्का सा ब्राउन कलर का था, एक व्हाइट कलर का था. एंड काफी हट्टा कट्टे दोनों डॉग्स थे, फिरोशियस थे. तो वो जब भी आते थे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने को तो सबको ऐसा लगता था कि यार इसके डॉग्स जो है वो सब पे भारी पड़ेंगे, और भारी पड़ते भी थे. एंड इवेंचुअली वो दोनों डॉग्स जो है फाइनल में पहुंचते थे. एंड फाइनल वुड हैपन आफ्टर दो या तीन दिन, चार दिन बाद वो फाइनल होता था. और फाइनल में फिर उसके दोनों डॉग्स आते थे सामने, एंड देन पीपल वुड बेट कि कौन सा जीतेगा. तो ऐसा करके ये चला कुछ साल, और कुछ सालों बाद जो है फिर वो डॉग्स बूढ़े हो गए, थोड़े जख्मी हो गए, वुंडेड हो गए, तो उनको फाइट से रिटायर कर दिया गया. तो ये इंसान जिसके वो डॉग्स थे वो उसने उनको पार्टिसिपेट करने से रोक दिया, और ऐसा करके वो एक अपने घर में अभी रहने लगा. सो ही वुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मोर डॉग फाइट्स. उसी इंसान के बगल में एक नेबर थी जो शी वॉज एन ओल्ड लेडी. तो वो ओल्ड लेडी आई इसके पास और कहने की मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स देखी पिछले इतने सालों से, तुम्हारे डॉग्स को मैं देखा, इनफैक्ट जब वो छोटे पपीज थे तब से मैं उनको देख रही हूँ, और तुमने कैसे उनको ट्रेन किया, पाला, और तुम उनको फाइट्स पे लेके गए, और मैंने सारे फाइनल्स देखे तुम्हारे. लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अक्सर तुम्हारे ही दोनों डॉग्स जो है ना फाइनल पे पहुंचते थे, और फाइनल पे पहुंचने के बाद जब तुम्हारे एक ब्राउन डॉग और ये व्हाइट जो डॉग था ये दोनों फाइट करते थे, तुम हमेशा ही सही डॉग पे बेट लगाते थे कि कौन सा डॉग जीतेगा. तुम मैं देखती थी तो चुपचाप जाके तुम एक बेट लगाते थे, और जिस पे बेट लगाते थे वही डॉग जीतता था. ऐसे कैसे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो ये इंसान मुस्कुराता है और बोलता है, सीधी सी बात है आंटी, ये मुझे मालूम इसलिए रहता था बिकॉज मैं पिछले एक हफ्ते से जिस डॉग को मैं खाना खिलाता था मुझे मालूम था वो ही जीतेगा, और जिसको मैं भूखा रखता था मुझे मालूम था वो हारेगा. सिंपल सी बात थी. तो फाइट से एक हफ्ता पहले से मैं एक को भूखा रखता था, एक को मैं खाना खिलाता था. ऐसा करके उसने आंसर दिया. वो लेडी भी एकदम एस्टॉनिश्ड होकर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करते थे तुम, और वो चली जाती. वेल दिस इज द स्टोरी, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि शायद हमारे मन में भी ऐसे दो डॉग्स होते हैं. सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट लेट्स फीड द डॉग विच वी वॉन्ट टू विन. सो डू यू वॉन्ट द डॉग ऑफ द पॉजिटिव साइड टू विन, और डू यू वॉन्ट द डॉग ऑफ द नेगेटिव साइड टू विन? ये चॉइस हमारे हाथ में है. मुझे लगता है कि हम सब इतने समझदार तो हैं कि हमें मालूम है कौन सा डॉग जीतना चाहिए, तो उसी को खाना देते हैं जिसको जीतना चाहिए. एंड आई एम श्योर यू विल क्रिएट अ लाइफ जो पॉजिटिव होगी, जो पावरफुल होगी, जो हमारे कंट्रोल में होगी. सो Happy feeding the right dog, all of you. और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट डे आपको. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एक्साइटेड, स्टे अलाइव, एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस. नमस्ते.